नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम चल रहे हैं जननायक एक्सप्रेस में और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन की दिशा में ट्रेन चल रही है जननायक एक्सप्रेस। और इससे ये वीडियो हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिसमें आप देख सकते हैं सामने की दिशा में पुराना वाला ट्रैक है जिसको काट दिया गया है और अब नए डबल ट्रैक से ट्रेन चलनी शुरू हो गई हैं मध्य रात्रि के बाद 13 फरवरी 2024 को। इस नए डबल ट्रैक का सीआरएस साहब ने निरीक्षण किया था जिसके बाद मध्य रात्रि से रेलगाड़ियों का संचालन अब यहां पर शुरू कर दिया गया है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सबसे राइट हैंड साइड पे जो आप ट्रैक देख रहे हैं वो पुराना ट्रैक है जो डिसमेंटल होगा और जो पुराना सराय नदी का पुल था उसको भी डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अब ये डबल ट्रैक है जिस ट्रैक से अभी हमारी ट्रेन चल रही है, इससे सीतापुर जंक्शन की दिशा में ट्रेन जाएंगी और उसके बाद वाला जो ट्रैक है इससे सीतापुर जंक्शन से सिटी जंक्शन की दिशा में ट्रेन जाया करेंगी। तो ये जो अब मौजूदा समय में डबल ट्रैक खुल गया है, अभी हम लोग मुरादाबाद मंडल में चल रहे हैं उत्तर रेलवे में और जैसे ही सराय नदी का पुल क्रॉस करेंगे NER जोन लग जाएगा, लखनऊ मंडल वहाँ पर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं नए डबल ट्रैक से जो नज़ारा है हम आपको दिखा रहे हैं छोटी सी ट्रेन जर्नी की झलक के साथ कि अब डबल ट्रैक यहाँ पर किस प्रकार से देखिए नज़र आता है। 15 दिन के लगभग यहाँ पर मेगा ब्लॉक का कार्य चला 30 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक, जिसमें प्री एनआई के कार्य हुए, प्री NI हुआ, उसके बाद NI के काम हुए 9 तारीख से 9 फरवरी से। पुराना वाला पुल दाहिने हाथ पर है जो डिसमेंटल हो जाएगा, वहाँ पर OHE के तार हटा दिए गए। अब ये देखिए नया डबल ट्रैक पे जो नया पुल बनाया गया था सराय नदी के ऊपर, उसके ऊपर से जननायक एक्सप्रेस गुजर रही है, तो इसकी झलक देखिए आप। हालांकि अभी ट्रेन की रफ्तार धीमे है और आने वाले समय में रफ्तार कुछ बढ़ने की उम्मीद है, अभी नया ट्रैक है। तो यहाँ पर अब डबल ट्रैक से ट्रेन चूँकि चलने लगेंगी तो अब क्रॉस के लिए रुकना नहीं पड़ेगा ना सीतापुर सिटी की दिशा में ना जंक्शन पर। ये अब हम लोग NER जोन के अंदर प्रवेश कर गए हैं लखनऊ मंडल में, मुरादाबाद मंडल से निकल करके। तो डबल ट्रैक आप देख सकते हैं पीछे सराय नदी का पुल, कितना सुंदर नज़ारा। तो पीछे आप देख रहे हैं नए जो पुल यहाँ पर तैयार कर लिए गए थे सराय नदी के ऊपर। CRS निरीक्षण में भी इसकी झलक आपको हमने दिखाई थी कल के हमारे वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको CRS इंस्पेक्शन जो हुआ था कल उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी, वीडियो हमने किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आगे कर्व आ रहा है जहाँ पर ट्रैक को काट करके मिलाया गया था। सबसे राइट हैंड साइड पे पुराना वाला ट्रैक है जिसकी OHE हटाई जा रही है धीरे धीरे यहाँ पर, और अब ये डबल ट्रैक जो नया तैयार हो गया है इसी से ट्रेन आया जाया करेंगी। इससे समय की बहुत बचत होगी, रुकना नहीं पड़ेगा तो यात्रा का जो समय है वो भी घटेगा। और अब रोजा जंक्शन से बुढ़वल जंक्शन तक पूरा ही सेक्शन डबल ट्रैक कंप्लीट हो गया है। बीच का ये 4 किलोमीटर का हिस्सा लगभग 1.5-2 साल तक लटका रहा यहाँ पर, क्योंकि पुलिस लाइन वाली जो क्रॉसिंग थी सीतापुर जंक्शन के बाहर कचहरी के पास में, वहाँ पर ट्रैक्स बहुत पास डाल दिए गए थे जिससे कि पेच फंस गया था। ये देखिए ट्रैक कटा हुआ है, लास्ट में आप देख सकते हैं जो पुराना ट्रैक हमारा सिंगल लाइन हुआ करती थी, ट्रैक वहाँ पर कट गया है और ये अब डबल ट्रैक यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है। तो ट्रेन से आपको जननायक एक्सप्रेस से एक नज़ारा दिखा रहे हैं, छोटी सी झलक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। ये देखिए कर्व किस प्रकार से ट्रेन जननायक एक्सप्रेस आ रही है, किस प्रकार से यहाँ पर बीते 15 दिनों में कार्य किए गए उसका परिणाम अब आपके सामने है। डबल ट्रैक पर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है, तो इसकी पहली झलक लेकर के हम आ रहे हैं ट्रेन एंड ट्रैवल पर।